दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। 10 साल पहले खरीदे गए प्लाटों की नहीं कराई कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री। केट क्षेत्र के गुलाबगंज के पास साईनाथ कॉलोनी वासियों ने एक आवेदन देकर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सभी रहवासियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया है कि हम सभी आवेदन सतसाई नगर गुलाबगंज के एंट गुना के निवासी हैं, जो कि पवन कुमार अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि छावनी गुना सतसाई नगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 766/2 में स्थित भूमि को राकेश जैन पुत्र छोटेलाल जैन निवासी गड़ा कॉलोनी हाट रोड गुना एवं अमरजीत पुत्र अमरीक सिंह निवासी चौधरी कॉलोनी गुना को दी गई और इन लोगों के हित में पवन कुमार अग्रवाल द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी, एग्रीमेंट पर दी गई और राकेश जैन एवं अमरजीत सिंह द्वारा उक्त भूमि में प्लाट काट कर हम आवेदकों को दे दिए और हमें मकान बनाने के लिए कहा गया और किस्तों में रुपए दिए गए और हम उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवासरत है और हम आवेदन विगत वर्ष 2004 से निवासरत है, जबकि उक्त भूमि पवन कुमार अग्रवाल द्वारा राकेश जैन एवं अमरजीत सिंह को दी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था, और जबकि राकेश जैन एवं अमरजीत सिंह हम आवेदनगण निवेदन कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्री प्लाटों की कराई जावे, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा। हम आवेदकगण रजिस्ट्री करने की मांग कर रहे हैं, परंतु राकेश जैन एवं अमरजीत सिंह द्वारा रजिस्ट्री करने में टालम टोल की जा रही। उक्त आवेदन में मांग की गई है कि पवन कुमार अग्रवाल एवं राकेश जैन और अमरजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई जावे। हाँ, जो कि आपने आवेदन दिया कलेक्टर और SP साहब को, किस विषय को लेकर आवेदन दिया था? ये कॉलोनी के विषय में आवेदन दिया है कि पवन अग्रवाल जी ने कॉलोनी की जमीन जो बेची हुई थी राकेश जैन जी को, और उन्होंने सबको प्लॉटिंग की थी किस्तों पे, तो वो किस्तों पे प्लॉट किस्तें ख़त्म होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, और क्योंकि इनने खुद ने रजिस्ट्री नहीं करवाई उनसे, इनने उस पर एग्रीमेंट पर कॉलोनी काटी। तो अब ये पवन रत्ती जो है ना, इन कॉलोनी वालों को जिन्होंने मकान बना रखे हैं 20 साल से, उनको ये बार बार फोड़ फोड़ कर और नोटिस भेज रहे हैं। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में लिखा है अवैध मकान बनाए आप लोगों ने, है ना, या तो खाली करो या फिर पैसा दो उसका। तो नगर पालिका टैक्स वगैरह जमा करते हो आप लोग? नगर पालिका टैक्स कर रहा है, लाइट बिल जमा कर रहे हैं सब लोग, नगर बिल जमा करते हैं सब लोग, सिविल लाइन का आ गया, सिविल लाइन वगैरह। आपके जो प्लाट है वो सिर्फ नोटरी वाले हैं? नोटरी वाले, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है? रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आपको नोटिस किसने दिए हैं? नोटिस जिसकी जमीन है वो दे रहा है, और जिनने एग्रीमेंट जिनको किया है उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन्होंने कॉलोनी काटी। तो आप लोग क्या चाहते हो? अपन रजिस्ट्री चाहते हैं सब लोग। नहीं, रजिस्ट्री कराना चाहते हो या कार्रवाई करना चाहते हो? कार्रवाई से रजिस्ट्री हो जाए। आप लोग तैयार रजिस्ट्री कराने के लिए? तैयार हैं, पैसा दे के हमने पैसा दे चुके, पैसा वो पैसा हम दे चुके, उसी में रजिस्ट्री हो। वो अब आज की रेट 20 लाख रुपए मांगा तो कहाँ से देंगे? नहीं, जो आपका एग्रीमेंट पहले हुआ था वो कितने रुपए में हुआ था? 30,000 और 60,000 में, मतलब 25-40,000 जो प्लाट था वो 50,000 में। कितने साल करीब हो गए उसको? 20 साल के आसपास हो गए, 2004 के आसपास। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं, जब तक आप लोगों ने कार्रवाई नहीं हुई, कई बार आवेदन दे चुके हैं आपको, तो आप लोगों ने जिसने मांगा था, जिसने प्लाट आपको भेजे थे, हाँ, उससे आपने रजिस्ट्री बोले करा नहीं? बोले बोला ना, वो कह रहे हैं हमारा केस चल रहा है उनसे, राकेश जैन अमरजीत जी दोनों, अमरजीत सलूजा राकेश जैन जी दोनों गुमराह कर रहे हैं। अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, सिर्फ नोटरी के बल पे ही हम लोग ने मकान बना लिया, उनने हमने पैसे दिए सब लोगों ने, तब जाके उनने कहा कि आपका ये प्लॉट है आप इस पे बना लीजिए, राकेश जैन और इनने जो प्लॉट काटे थे उन्होंने, अब हम बोलते हैं तो अभी कहते हैं टालम टूल करते हैं, और अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। हम सभी चाहते हैं कि जो हमने पैसा दिया है उस समय उसी के आधार पे हमारी सबकी रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि 20 साल पहले हमने पैसा दे चुके हैं उनको, राकेश जैन और अमरजीत सलूजा। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 मकान बन चुके हैं, कुछ लोगों के प्लॉट डले हैं अभी खाली, प्रेजेंट में भी 100-150 लोग सारे जहाँ आए, और पवन अग्रवाल द्वारा लोगों पे कार्रवाई और ₹5,000 किराया मांग रहा हर महीने का, वो ऐसा नोटिस भेजिए। हाँ, 3 लोगों पे वहाँ पे कार्रवाई भी हुई है, उसमें से एक बार तो अभी नोटिस आया है पुरुषोत्तम कोरी पे, उनको मकान खाली करने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसमें 2 लोगों की वहाँ पर रजिस्ट्री नामांतरण हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? उमेश भार्गव। आपका नाम क्या है? बाबू सिंह रघुवंश। मेरा नाम चुन्नीलाल बड़ोनी। राजकुमार राठौर।